स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे है, रशिया यूक्रेन वॉर को 2 साल हो चुके हैं, इंडिया इसी टाइम में ब्रह्मोस मिसाइल देता है फिलीपींस को, फिलीपींस यूएस के साथ अपने लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करने वाला है इन साउथ चाइना सी, एक हफ्ते पहले द हेड ऑफ जापान फिलीपींस एंड यूएस दैट इज जो बाइडन वो मिलते हैं और जो बाइडन कहते हैं वी स्टैंड विथ आयरन क्लैड पार्टनरशिप और वो एक डिफेंस पार्टनरशिप की बात करते हैं इन तीनों नेशन में। इसी टाइम में साउथ चाइना सी में चाइना काफी अग्रेसिव हो रहा है टुवर्ड्स फिलीपींस। दोस्तों क्या हम देख रहे हैं द थर्ड कॉन्फ्लिक्ट बनते हुए जेनरेट होते हुए और क्या ये थर्ड फ्रंट होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3 का, ये हम एनालाइज करेंगे। बट इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स में कैसा कर रहा है और कैसे इंडिया हैज जस्ट डन वंडर्स इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट 10 इयर्स। अगर हम 10 साल की बात करें तो 3000% से इंक्रीज हुआ है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अकेले। 2022 में हमने लगभग 15,900 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए थे और 2023 में हमने 21,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए हैं और इस साल हमारा टारगेट 35,000 करोड़ का है। तो प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए आप जो कि 60% डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहा है, मतलब लार्सन एंड टूब्रो, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये सारी कंपनी मिलकर 60% डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रही है और 40% आ रहा है पीएसयू से, जैसे हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देन बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मजगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड। अच्छा आप बोलेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं बट व्हाट इज आवर ग्लोबल परसेंटेज, इट इज नॉट इवन 1%। तो यहां पे बात आती है हु इज द बिग प्लेयर। तो 40% वर्ल्ड का डिफेंस एक्सपोर्ट लाइज विथ यूएस, 40% 15% है फ्रांस के पास, 11% है रशिया के पास और 5% है चाइना के पास, बट हमारे पास 1% भी नहीं है, ये याद रखिए। बट हमारी ट्रेजेक्टरी बहुत हाई है और लास्ट 5 to 7 years वी हैव एक्सपोर्टेड मोर देन 83,000 crores ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। अच्छा दोस्तों अब ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मोस एसेंशियली एक कंबाइंड एंटिटी, एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन रशियन डिफेंस एंड इंडिया। तो DRDO और NPOM ने मिला के ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, दो रिवर के नाम से आता है, मोस्कोवा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा ये एक क्रूज मिसाइल है, इसका मतलब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है और ये फायर एंड फॉरगेट वाला आइडिया से चलता है। इसका मतलब आप टारगेट बता दीजिए, ये टारगेट को ट्रेस करता हुआ अपनी डायरेक्शन लेता हुआ चले जाएगा। अच्छा ये लो फ्लाइंग भी कर सकता है, मतलब 4 मीटर की हाइट पे, इसलिए इसको ट्री मिसाइल भी कहा जाता है। अच्छा इसका लॉन्च जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है और किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है। अच्छा इसे लॉन्च कहां से किया जा सकता है, तो इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है, लैंड से भी, एयर से भी और शिप से भी, सबमरीन से भी। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज है। अच्छा इसका मैक्सिमम रेंज क्या है, 290 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड क्या है, इट इज 2.8 Mach। जब ये 2.8 Mach बोल रहा हूं इसका मतलब 2.8 times द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और 2016 के बाद जब हमें MTCR में एंट्री मिल गई, जिसे हम बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, तब से हम ब्रह्मोस पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, मतलब एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका रेंज 1500 किलोमीटर हो। अच्छा हमने ब्रह्मोस NG भी डेवलप किया, ये छोटा ब्रह्मोस है, मिनिएचर ब्रह्मोस है, ताकि इसे आराम से फाइटर जेट में इनकल्केट किया जा सके। अच्छा दोस्तों एक और चीज याद रखिए कि ये एक रैमजेट इंजन पे बेस्ड है, इसका मतलब ये एयर ब्रीदिंग इंजन है और ये एयर ब्रीद करता है और उसी से इसके अंदर और प्रोपल्शन आता है और स्पीड ये अक्वायर कर लेता है। अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि हम ये डील कर किसके साथ रहे, फिलीपींस के साथ, और ये डील थी सिंपली 3 बैटरी ऑफ ब्रह्मोस की जो कि साइन हुई थी 2022 में, और हमें ये देना किसको था, टू फिलीपींस मरीन्स, ताकि ये मरीन साउथ चाइना सी में और कोस्टल प्रोटेक्शन में स्ट्रॉन्ग बन सके। तो वी आर आर्मिंग फिलीपींस, क्यों, क्योंकि फिलीपींस डरा हुआ है एन अग्रेसिव चाइना से, जो चाइना अपने यूनिलेटरल क्लेम्स कर रहा है। तो अब आप पूछेंगे सर इशू है कहां,
ये इशू चल कर रहे हैं, तो ये इशू चल रहे हैं साउथ चाइना सी में, जहां पे चाइना कभी 9-line कभी 10-line बनाता रहता है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है 9-10-, तो बेसिकली आप एक पेपर लीजिए, उसमें ओशन में 9 dashes बना लीजिए, जो आप अभी मैप में देख रहे हैं, तो 9 dashes बना लीजिए, 10 dashes बना लीजिए और यूनिलेटरली पूरे ओशन पे कब्जा कर लीजिए। तो चाइना ने बोला ये हमारी हिस्टोरिक लैंड्स है और हमारी ये टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लैंड रिक्लेमेशन करना शुरू किया और आइलैंड्स बनाना शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, वहां पे कुछ मछुआरों को भेजना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद इन्हीं रिक्लेम्ड आइलैंड्स के ऊपर उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी शुरू की और अपने कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है भाई। अब कोस्ट गार्ड को हटा के यहां पे अपनी नेवल वेसल्स को लगाना शुरू कर दिया। तो अब कोस्ट गार्ड कहां जाएंगे और फिशरमैन कहां जाएंगे? तो जब नेवी को लगा दिया तो नेवी के बाहर गए कोस्ट गार्ड और कोस्ट गार्ड से भी बाहर गए फिशरमैन, और ये फिशरमैन जाके दूसरी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में घुसेंगे, फिशिंग करेंगे। अच्छा, जब ये फिशिंग करेंगे तो उनकी लड़ाई होगी, तो चाइना की कोस्टल पुलिस आएगी और वो लड़ाई करेगी दूसरे कंट्री की कोस्टल फोर्सेस। तो इससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। तो एक दूसरे के बोट्स को मार देना, धक्का दे देना, पानी से वाटर कैनन स्प्रे कर देना और एक दूसरे को तंग करना उनकी टेरिटरी में जाके, ये स्ट्रेटजी है सलामी स्लाइसिंग की। क्योंकि चाइना बहुत ही ग्रीडी है इन टर्म्स ऑफ लैंड, तो वो छोटे 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 पीसेस करके दूसरों की जमीन हथियाता रहता है। आपने ये टेंडेंसी गलवान और डोकलाम में भी देखी थी। अच्छा, तो दुनिया क्या कर रही है? तो यूएस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है 1951 से फिलीपींस के साथ, और इसी तरीके की उसकी पार्टनरशिप है जापान के साथ। तो यूएस ये कह रहा है वी हैव एन आयरन क्लैड पार्टनरशिप, मतलब इट इज एज गुड एज नाटो। आप सोचिए नाटो क्या कहता है, आर्टिकल 5 वो ये कहता है कि एन अटैक ऑन वन ऑफ अस विल बी एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। तो अगर कोई भी कंट्री उठ के फिलीपींस को कल अटैक कर देती है, तो इसका मतलब यूएस के ऊपर वो जिम्मेदारी है कि वो फिलीपींस और जापान को डिफेंड करे। इसका मतलब अगर चाइना जाके किसी आइलैंड पे कब्जा कर लेता है तो फिर यूएस को आके उसे डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात तो ठीक है। बट क्या यूएस खुद से इंटरवीन करता है? द आंसर इज नो। तो यूएस अब क्या कोशिश करेगा, वो सबसे पहले कोशिश करेगा एक छोटा सा पैक्ट बन जाए, एक छोटा सा ग्रुप बन जाए, और फिर इस ग्रुप को वो आर्म्स एक्सपोर्ट कर पाए, काफी सारी फंडिंग दे पाए और इनके पीठ पे गन रख के वो लड़ाई कर सके चाइना से, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा। आपने ये देखा है कि रशिया के साथ भी अवॉइड करता है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, और फ्रंट्स के थ्रू ये दोनों लड़ते रहते हैं, छोटे छोटे मिलिशिया के बेसिस पे ये आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा, अब आप जरा मैप पे ध्यान दीजिए, तो आपको दिख रहा है मेनलैंड चाइना, और मेनलैंड चाइना से चिपका हुआ है ताइवान, इनके बीच में है ताइवान स्ट्रेट, और ताइवान से सबसे पास कौन है, फिलीपींस, और यह है लुजलो स्ट्रेट। और ये जो फिलीपींस का हाईएस्ट पॉइंट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इस नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे यूएस और फिलीपींस एक ड्रिल कंडक्ट करने वाला है इसी महीने, और ये ड्रिल के ऊपर चाइना बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये ड्रिल लार्जेस्ट एवर ड्रिल है, इसमें फ्रांस के सोल्जर्स भी आए हैं छोटे कंटिंजेंट में। अच्छा, ये करने क्या वाले हैं इस ड्रिल में? ये मिमिक करने वाले हैं कि ये किसी लैंड को रीकैप्चर करने जा रहे हैं, ये किसी आइलैंड को छुड़ाने जा रहे हैं। मतलब अगर चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो हम ताइवान को छुड़ाएंगे कैसे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, कैप्चर करने के बाद तो बहुत रेयर चांसेस है कि आप छुड़ा पाएंगे, बट ये ड्रिल करने से चाइना भी ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, इसी मोमेंट पे सडनली एक ऑर्डर जो रुका हुआ था, मतलब अग्रीमेंट तो थी बट सडनली ब्रह्मोस की डिलीवरी शुरू हो जाती है। तो ये ब्रह्मोस की डिलीवरी की टाइमिंग है, ये ड्रिल की जो टाइमिंग है, एक हफ्ते पहले आयरन क्लैड पार्टनरशिप की जो बात है, इससे ये लग रहा है कि यूएस और चाइना इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कभी भी बॉयल डाउन हो सकता है। अच्छा, इसका एक काउंटर नैरेटिव ये है कि क्योंकि दो ऑलरेडी फ्रंट्स खुले हुए हैं अभी वर्ल्ड में, तो ये बहुत अपॉर्चुन मोमेंट है चाइना के लिए टू शो इट्स अग्रेशन, और वो अपनी ये जो वन चाइना पॉलिसी के अंडर जिस जिस लैंड पे उसको कब्जा करना है वो कर ले। क्यों? क्योंकि द वेस्ट इज बिजी इन मिडिल ईस्ट, इट इज बिजी इन रशिया यूक्रेन, तो ये बेस्ट टाइम है फॉर चाइना। और इसीलिए
ताकि ऐसा कोई एक्शन ताइवान पे ना हो, हांगकांग पे ना हो, या साउथ चाइना सी में ऐसे यूनिलेटरल मेजर्स ना हो बाय चाइना, क्योंकि आपको पता है चाइना और रशिया का एक एक्सिस बन चुका है। तो इसीलिए यूएस जाके फिलीपींस के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है और कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट बचाना चाहता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है दिस विल बिकम द नेक्स्ट बिग कॉन्फ्लिक्ट? अच्छा, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्टडी आईक्यू पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं एमवी लाइव, और इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।